ये हमारी बस है और ये हमारी सीटें हैं और ये बैठे हैं हम और ये हमारा बैग है। मतलब चाय की चुस्की मारने के बाद एक ब्रेड पकौड़ा ना हो तो चाय पूरी नहीं होती है। नॉर्थ इंडियंस की लाइक आदत है, कुछ ना कुछ चाय के साथ चाहिए। चाय खाली पेट ना चलते ब्रो। एनी हाउ वी आर हियर इन वाराणसी। गेट नंबर 1 वहाँ पे वहाँ से लाइक अपनी बस होने वाली है, बट नहीं क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करना है। वी ओनली हैव लाइक अबाउट 5 to 10 minutes। उससे पहले लाइक बोर्डिंग टाइम है अपना 8:55 और अभी हो रहा है लगभग 8:47 के आसपास हो रहा है, तो वी ओनली हैव 6 to 7 minutes मैक्स ऊपर नीचे। तो फटाफट चलते हैं वाले। आ चुका है लाइक 9:15 पे इसका डिपार्चर था, बट अप्रॉक्सीमेटली अभी हो रहा है 9:30 आई गेस, 9:35 हो रहा है, 9:35 अभी हो रहा है और फिलहाल बस आ चुकी है। ये रही हमारी बस, इंडिया ट्रैवल्स करके है, लाइक रीसेंट बस है और कैब का पहली बार लगा रहा हूँ। आई डोंट नो कैसा दिख रहा है बट जैसा भी है ठीक है। फिलहाल अपन बैठ चुके हैं, सामान वामान लगा चुके हैं और चलते हैं बस के अंदर, क्योंकि मेरे को छोड़ना नहीं रहा है बस बार ब्लॉक करने के चक्कर में। ऐसा लग रहा है कभी बस छोड़ दूंगा वो एक साइड। मुझे ऐसा लग रहा है और ज़्यादा ही, बट फाइनली अपना बैग नीचे में रख दिया इधर पे ही रहा। बस फिलहाल चलने वाली और लगभग 10 बजने वाले हैं, लगभग 15 मिनट टाइम हो रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। ये हमारी बस है और ये हमारी सीटें हैं और ये बैठे हैं हम और ये हमारा बैग है। साइड वाला पैसेंजर उसको परेशान नहीं करना ब्रो, वही सामने कंसेंट ले लिया है कि ब्लॉग में ला सकते हैं बट फिर भी। सो गाइस वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम दिल्ली टू बनारस और इस बार का प्लान थोड़ा सा रैंडम है क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा मैं अपनी बाइक उठा के हमेशा ट्रैवल करता हूँ, बट इस बार सोचा है कि बस से ट्रैवल करने वाले हम लोग, क्योंकि 800 किलोमीटर देख के मेरी फटके हाथ में आ गई। टू बी फ्रैंक मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ। 800 किलोमीटर इज लाइक वे टू मच फॉर मी फॉर नाउ, लाइक 500-600 किलोमीटर होता तो आई हैव मैनेज्ड, क्योंकि 300 किलोमीटर के आसपास की मैंने कंटिन्यूस राइड मारी हुई है तो 200 किलोमीटर स्ट्रेच खींचना चलो बॉडी अडाप्ट कर ली, बट 800 इज वे टू मच। तो इस वजह से प्रेफर किया मैंने कि चलो इधर बस में चलते हैं और घूम के आते हैं इस बार। लगभग प्रयागराज के आसपास की मीठी मीठी सी सुबह है ये और फिलहाल हाईवे के बीच में एक होटल है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं एक और बार पहले भी आया हूँ, मैं प्रयागराज की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पर मैं आप एक बीच में आया था, उस टाइम भी मैं बस से ट्रैवल कर रहा था एक्चुअली, उस टाइम मैं सोलो था और इस टाइम भी काइंड ऑफ मैं सोलो ही हूँ ट्रिप पे काइंड ऑफ। तो फिलहाल तो लेते हैं चाय क्योंकि रात भर पता है, तो एक बार मैं स्लीपर ले लिया है, सीटर वाला लिया था, सेमी स्लीपर जिसे बोलते हैं, तो मैं आधा सो के और आधा ऐसा बैठ के आया हूँ, तो कभी ऐसे करके आधा अधूरा नींद मिल रहा है मेरे को, कमर दुख रहा है हल्का हल्का। और फिलहाल चाय की चुस्की का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उधर चाय की चुस्की मारते हैं एक और। चाय भी धन्यवाद। सुबह सुबह की पहली चुस्की लेके काम है, रात के 10 बजे से ना आधी आधी नींद में पड़ा हुआ सीट के ऊपर और अब थोड़ा सा ना चाय से चाय पीने मिल रहा है महाराज। और पता है ऐसे सीन पे ना पता नहीं
तुम लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट ऐसा फील होता है कि तुम यहाँ चाय पीते रहे हो कि तुम्हारी बस यहाँ से कट लेगी तुम्हें छोड़ के। तो ये वाली फील ना हमेशा अंदर रहती है, धक से धक 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 होती रहती है। इसलिए ना मेरी एक आँख इधर रहती है, एक आँख उधर रहती है, एक आँख चाय पे, एक आँख पे भाग नजर छोड़ के। फिलहाल वो पीटी अलग करते हैं और पी करवा लो इससे पहले, चाय का मजा लेते हैं और मिलते हैं आपसे बस। वैसे चाय की चुस्की मारने के बाद एक ब्रेड पकौड़ा ना हो तो चाय पूरी नहीं होती है। नॉर्थ इंडियंस की लाइक आदत है, कुछ ना कुछ चाय के साथ चाहिए। चाय खाली पेट ना चलते ब्रो अपने इधर, मतलब या तो बिस्किट चाहिए या मट्टी चाहिए या कुछ चाहिए। ब्रेड पकौड़ा वेल एंड गुड। फिलहाल ब्रेड पकौड़ा भी इंजॉय करते हैं और थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारते हैं इधर पर। उतरने वाले और उसके बाद फटाक से रिक्शा लेके होटल पे चलते हैं, चेक इन करते हैं और थोड़ा सा आराम करके आगे की आइटनरी बताते हैं आपको। ये लिफ्ट के यहाँ से हम लोग अंदर आए थे, यहाँ से लिफ्ट अच्छा था बट ये हमारा रूम है लाइक ओके ओके रूम है लाइक इतने प्राइस में मेरे को मिल रहा है और 1800 नॉट कि हाँ आगे भाई बेकार रूम है खराब रूम है, इट्स क्वाइट गुड, अच्छा वाला बेड है, वॉशरूम भी ठीक है, बाकी बाकी तो सब चंगा ही है ब्रो, चंगा।